हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार, आपका फार्मा टेरियर डायरेक्टर, फोकस फार्म एंड ऑफकोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अभी जिनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि मुझे यार अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करनी है, या जिन लोगों ने जस्ट अभी अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करी है। आप एबीएम हो, आरएसएम हो, जेडएसएम हो, आप जिस मर्जी रैंक पे काम कर रहे हो फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में चीज जरूर आती है और हर किसी के दिमाग में आती है कि यार मुझे खुद अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए, मुझे खुद की अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, थॉट बहुत अच्छा है, आपको करनी भी चाहिए और मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता हूं और प्रमोट करता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है और आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप अपनी कंपनी लॉन्च कर सको, तो जरूर आपको अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए। बट दोस्तों, क्या होता है कि जब हम अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं तो हम लोगों के पास ना वो सपोर्ट नहीं होता, वो मेंटरशिप नहीं होती, वो गाइडेंस नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये तरीका होता है कि जब हम अपनी फार्मा कंपनी शुरू करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग यार ये 15-20-30 डॉक्टरों को जानते हैं, तो उन्हीं के बेस पे कंपनी शुरू कर देते हैं, उसी तरह के हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसी तरह के सेगमेंट को पकड़ के हम अपनी कंपनी शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, टू बिगिन विद टू गेट सम इनिशियली सेल, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। बट दोस्तों, अगर आपको अपनी कंपनी को लेके जाना है पैन इंडिया लेवल पे, आपको अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाना है, तो उसके लिए आपको यार काम करना पड़ेगा कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट्स पे जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये हमें ना बचपन से सिखाया जाता है कि जिस बिल्डिंग की नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी ना, वो बिल्डिंग उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो यदि आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आप उसके ऊपर जितनी मर्जी इमारत खड़ी कर लो, है ना, वो इमारत ढहेगी नहीं, वो इमारत आप जितनी मर्जी बड़ी उसको बना सकते हो। तो सेम वे विद योर फार्मा कंपनी, यदि आपके इनिशियली फेज में आपने अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग रखा और आपने अपने फंडामेंटल्स को अगर स्ट्रांग रखा ना, तो आपकी कंपनी को बड़ी कंपनी बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। तो वही मैं फॉर्मूला आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि वो जो बड़ी कंपनी बनाने का फॉर्मूला, वो जो बड़े लेवल पे चीजों को करने का क्या स्टेप्स होते हैं, क्या उन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ताकि आपको आगे जब आप अपनी कंपनी लॉन्च करने के बाद आपको जब इसको ग्रोथ करने पड़े, जब आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़े, आपको दिक्कतें ना आए। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज, जितने मेरे फार्मा एंटरप्रेन्योर भाई हैं जो फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं तो क्या एक जनरल परसेप्शन होता है, क्या एक जनरल थॉट होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग जब किसी लेवल पे काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि अब यार हमारे मार्केट में 25-30-50 डॉक्टर से रिलेशन हो गए, हमारे इस एरिया में हमारे बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, ये इतने डॉक्टरों को मैं जानता हूं, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली उन्हीं डॉक्टरों के ऊपर उसी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करके ना कंपनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, टू बिगिन विद टू गेट सम इनिशियल सेल, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसमें जो सबसे नंबर वन पॉइंट है ना, वो है टारगेट ऑफ थेरापेटिक एरिया। तो देखिए दोस्तों, इनिशियली ना जो मोस्टली एंटरप्रेन्योर जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हम लोग ना डेटा को नहीं पढ़ते, हम लोग डेटा को इवेल्युएट नहीं करते। हम लोगों ने जैसे बताया, जनरल फार्मूला अपनाया, कंपनी लॉन्च कर दी। बट अगर आपको कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो इस तरह के फार्मूले से ना आप कंपनी को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पाओगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेटा। वो डेटा क्या है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार आने वाले 5-10 साल में कौन सा थेरापेटिक सेगमेंट बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है, चाहे वो डायबिटिक है, क्या वो कार्डिक है, क्या वो स्किन है, क्या वो कॉस्मेटिक है, क्या वो पीडियाट्रिक है। तो आपको ना सबसे पहले अपनी कंपनी का ना एक डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी, एक आपको अपनी कंपनी का एक कोर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस थेरापेटिक सेगमेंट में जाना है। तो वो थेरापेटिक सेगमेंट कोई सा भी हो सकता है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। और यदि आपकी उस सेगमेंट में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, और आपको पता है कि आने वाले 5-10 साल में ये जो थेरेप्यूटिक सेगमेंट है ये इतने बड़े लेवल पे ग्रो होने वाला है, या इतनी तरह की डिजीजेस इस सेगमेंट में आने वाली है, तो आपको यार उसी तरीके से आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको वही थेरेप्यूटिक सेगमेंट टारगेट करना है जो ग्रोइंग हो। तो सबसे पहला, अगर आपने यार अगर फार्मा कंपनी अपनी लॉन्च करनी है, या आप ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि सबसे पहले डेटा को पढ़ो, डेटा को एनालिसिस करो कि कौन सा थेरेप्यूटिक सेगमेंट कितना बढ़ने वाला है, और उसी थेरेप्यूटिक सेगमेंट में घुस जाओ। तो जैसा कि आपने अभी थेरेप्यूटिक एरिया सेगमेंट डिसाइड कर लिया, अब उसमें आप देखिए आपकी ग्रोथ के चांसेस कितने, ऑलरेडी उसमें कितने प्लेयर्स काम कर रहे हैं, उन प्लेयर का वर्किंग कल्चर क्या है, किस तरह के आपको अगर उस सेगमेंट में आपको अगर ग्रोथ लानी, तो किस तरह के आपको बजट चाहिए, किस तरह के आपको स्टडीज चाहिए। तो सारी स्ट्रेटेजी, सारे बजट आपको पहले दिन से चॉक डाउन करने टू गेट दैट शेयर, टू गेट दैट सेल्स। तीसरा, आपने जब थेरेप्यूटिक एरिया सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपको देखना है कि इसमें आने वाले टाइम में क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ सकती है। जैसे
अगर हम बात करें जैसे डायबिटिक कार्डिक की हम बात करते हैं, तो डायबिटिक कार्डिक में आज के टाइम में काफी सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी आ चुकी हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो, चाहे वो सिंगल डोज फॉर्मुलेशन हो, तो काफी सारे चाहे वो कुछ प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को कम करना हो, तो काफी सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो हम जब थेरेप्यूटिक अपने एरिया सिलेक्ट करें तो हमें डेटा मैट्रिक्स के बाद ये भी हमें इवेल्युएट करना है कि ग्रोथ तो चलो हमने देख ली कितनी ग्रोथ है, बट आगे उसमें गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस है, मतलब हमें पूरा ना ओवरऑल पिक्चर देखनी है, हमें 360 व्यू हमें अपना रखना है, हर चीज के ऊपर हमें नजर रखनी है जब भी हम थेरेप्यूटिक एरिया सिलेक्ट करें। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई थेरेप्यूटिक एरिया जरूर सिलेक्ट करके चले, क्योंकि आने वाले जो टाइम है ना वो टाइम है सुपर स्पेशलाइजेशन का। यदि आपने अपनी कंपनी की डायरेक्शन और अपना विजन और अपना मिशन उस दिशा में अलाइन नहीं करा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद ना आज सबसे पहले बैठ के आप सोचें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस थेरेप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करना है, और उसी थेरेप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करें जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें आपको प्रॉफिट हो और जिसमें आप आगे बढ़ सको। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह प्रोडक्ट सिलेक्शन। आफ्टर आपने थेरेप्यूटिक आपने एरिया सिलेक्ट कर लिया कि आपको इस सेगमेंट में जाना है, तो उसके बाद आप सिलेक्ट करें प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए यार बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट ब्रीफ में आपको कुछ सॉलिड पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला अगर पॉइंट आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हुए जो ध्यान में रखना है ना, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर बात करूं, क्योंकि बिकॉज मैं एक अपनी कंपनी चला रहा हूं और मेरा यार बहुत सिंपल सा क्लियर सा फंडा है कि सबसे पहले इनिशियली फेज में जिस कंपनी को अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो उसमें आपको देखना है कि उसमें आपका मार्जिन कितना है। आपको दोस्तों हाई मार्जिन प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। देखिए दोस्तों मैं हमेशा ना अपने जो मेरे साथ कंपनियां न्यूली कंपनी एसोसिएटेड है मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं जो मेरी फेवरेट लाइन है कि यदि आपको मिट्टी बेचने से पैसा मिलता ना तो आप मिट्टी बेचो, सोना मत बेचो। आपका हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपका हो सकता है प्रोडक्ट में कंपटीशन भी थोड़ा कम हो, या आप बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बेच रहे हो, बट अगर उस मॉलिक्यूल को बेचने के बाद, उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपकी पॉकेट में कोई पैसा नहीं आ रहा, आपकी कंपनी की जेब में कोई पैसा नहीं आ रहा, तो यार उस प्रोडक्ट में मेहनत करके ना, उस प्रोडक्ट पे काम करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। यकीन माना दोस्तों, शुरुआत में अगर आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, अपनी कंपनी को एक लेवल पे लेके जाना, तो आपको चाहिए होंगे पैसे। और वो पैसे कहां से आएंगे? आपके पास जो फंड्स की कुछ लिमिटेशन है, आपने हो सकता है कुछ पैसे आपके पास सेविंग से हो, या आपने उधर से लोन लेके लगा दी हो, लेकिन यदि आपने अपनी कंपनी को उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे काम नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके पास फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट में देखें कि आपको मार्जिन कितना बचने वाला है। देन अगेन जैसा कि बताया कि प्रोडक्ट की ग्रोथ चांसेस कितने की, हमने अगर थेरेप्यूटिक एरिया को सिलेक्ट कर लिया कि सपोज करो हमें डायबिटिक सेगमेंट में जाना, तो अब उस सेगमेंट में यार किस तरह का प्रोडक्ट है ना, किस तरह का मॉलिक्यूल ज्यादा ग्रो करेगा। अभी मेटफॉर्मिन, ग्लिबेप्राइड ये सब तो बहुत पुराने हो गए, अब आने वाले क्या अपकमिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सारा डेटा आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो दूसरा आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट की ग्रोथ चांसेस कितने हैं आपके उस थेरेप्यूटिक एरिया में। तीसरा जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए ध्यान रखना है वो डीपीसीओ की, क्या वो प्रोडक्ट आपका प्राइस कंट्रोल में तो नहीं है? अगर प्राइस कंट्रोल में है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे प्रोडक्ट में आपको मार्जिन कम मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एज इनिशियल फेज में आपको हाई मार्जिन प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम फार्म एंटरप्रेन्योर गलती करते हैं वो है बैच साइज। इनिशियली यार फार्म एंटरप्रेन्योर को इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करते हैं, हाई बैच उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं हमेशा इस बात को बिलीव करता हूं कि अगर आप कोई भी नया मॉलिक्यूल शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, आपको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो आप उसको बेच लो, पर शुरुआत या जितना मिनिमम बैच से आप कर सकते हो ना उतना करो। इनिशियली 1000 डब्बे बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, 500 डब्बे बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप शुरुआत करो छोटे से बैच से। आपका बैच अगर 2 महीने में 3 महीने में घूम जाता है तो अगेन आप उसका बड़ा बैच बनवा सकते हो, बड़े बैच का ऑर्डर दे सकते हो। बट मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर गलती करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग के समय कि वो बैच साइज का ध्यान नहीं रखते। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने फार्मा कंपनी लॉन्च करते हुए ध्यान रखना है वो है आपकी कंपनी का नाम, लोगो और टैगलाइन। या मैं हमेशा एंटरप्रेन्योर को बोलता हूं कि जब भी आप अपनी कंपनी का नाम सोचो तो वो नाम बड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, बड़ा यूनिक होना चाहिए, और आपके मिशन से, आपके विजन से, आपका जो थेरेप्यूटिक एरिया उससे वो अलाइन होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि कंपनी का नाम अगर आप थोड़ा यूनिक रखोगे, थोड़ा सा इनोवेटिव रखोगे, तो आपको जब आगे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप अपने कंपनी से रिलेट करके उस प्रोडक्ट का नाम रख सकते हो। जैसे मैं कई बार बहुत वीडियो में अपने एग्जांपल देता हूं मैनकाइंड का। मैनकाइंड ने क्या अगर नाम रखा, मैनकाइंड देखो कितना अच्छा नाम है, उसके बाद सारे प्रोडक्ट में टेल मी काइंड है ना, एमलो काइंड और सब में वो काइंड काइंड जोड़ के प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। दो फायदे हैं दोस्तों इससे। एक तो अगर आपका नाम अच्छा और इनोवेटिव होगा तो आपको मार्केट में इजिली डॉक्टर को याद कराने में हेल्प करेगा, और दूसरा आपको ट्रेडमार्क का इशू नहीं आएगा। अगर आपका कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो गया है ना, तो आप उससे रिलेटेड कुछ अपने ब्रांड का नाम, सॉल्ट का नाम करके रिलेट करके ब्रांड का नाम बना सकते हो। तो आपको ब्रांड नेम बनाने में इजीनेस होगी और आपको ट्रेडमार्क लेने में भी इजी हो जाएगा। कंपनी का लोगो जरूर बनाए, काफी लोग ये गलती करते हैं यार। देखिए जो बड़े बड़े ब्रांड है अगर आप उनको देखो तो उनके लोगो से ही ना उनकी पहचान होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने फार्मा एंटरप्रेन्योर्स को कि जब भी आप अपनी कंपनी लॉन्च करें,
लोगो बहुत अच्छा बनाए, लोगो क्रिएटिव बनाए, और लोगो ऐसा होना चाहिए जो आपकी कंपनी को अलाइन करे, आपके विजन को अलाइन करे। और तीसरा टैगलाइन, टैगलाइन के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले भी दिए, जैसे कैडबरी का अगर हम ऐड करें तो कुछ मीठा हो जाए, है ना, या सर्फ एक्सल का आता है कि दाग बहुत अच्छे हैं, तो ये टैगलाइन क्या होते हैं ना, ये कस्टमर के माइंड में घुस जाती है। तो टैगलाइन हमेशा अपनी सिलेक्ट करें। जैसे मैं अगर अपनी कंपनी की बताऊं तो फोकस फार्मा योर पार्टनर इन हेल्थ केयर, तो हम जैसे मार्केट में जाते हैं तो हम हमेशा डॉक्टर्स के आगे बोलते हैं रिगार्ड्स ऑन फोकस फार्मा योर पार्टनर इन हेल्थ केयर। तो इस तरह की टैगलाइन को आपको जरूर मार्केट में क्रिएट करना चाहिए ताकि कस्टमर के दिमाग में टैगलाइन का बहुत बड़ा इंप्रेशन जाता है। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं अपनी कंपनी लॉन्च करते हुए ध्यान रखना चाहिए, वो है आपका टारगेट एरिया, कि आपने किस मार्केट को टारगेट किया। देखिए, हो सकता है कि आपने कुछ मेट्रो सिटीज को टारगेट कर दिया, या आपने हो सकता है किसी रूरल एरिया को टारगेट कर दिया। देखिए, हर एरिया की ना कुछ अपनी वर्किंग कल्चर होते हैं, कुछ वर्किंग नॉर्म्स होती है। अगर मैं दिल्ली सिटी की बात करूं तो दिल्ली सिटी में देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई अपॉइंट करते हो तो आपको एक सेट ऑफ मार्जिन देना है, केमिस्ट को सेट ऑफ स्कीम देनी है, या आपका जो पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो एक सेट ऑफ होती है, प्लस पेशेंट की बाइंग कैपेसिटी का काफी फर्क पड़ता है। यदि और यही आप कंपनी अगर किसी यूपी के छोटे से गांव में लॉन्च करें या छोटे से हेडक्वार्टर में लॉन्च करें, तो वहां पे आप देखना, वहां पे जो पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, है ना। वहां पे जो आपको केमिस्ट को स्कीम देनी पड़ेगी अलग होगी, पेशेंट की बाइंग कैपेसिटी बहुत अलग होगी। तो जो आपका मैंने बताया ना, सारी चीजें अलाइन होनी चाहिए आपकी कंपनी का मिशन से लेकर आपकी थेरापेटिक एरिया प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद आपको किस तरह के एरिया में वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब सपोज करो मैं बहुत सारे हाई एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लें और मैं जाके उसको किसी यूपी के छोटे से गांव में या छोटे से इंटीरियर में बेचना की कोशिश करूं थ्रू तो प्रिस्क्रिप्शन, तो यार वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए टास्क उस तरह के प्रोडक्ट बेचना। तो सेम वे यार, जब भी आप एरिया लॉन्च करें तो एरिया लॉन्च करते हुए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे पेशेंट की बाइंग कैपेसिटी कैसी है, डॉक्टर का हैबिट कैसा है, प्रिस्क्राइबर है, डिस्पेंसर है, क्या वो उस तरह के प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता है भी नहीं करता है, क्या वहां पे अगर आपको हाई एमआरपी वाले प्रोडक्ट बेचने पड़े तो क्या आप वहां पे बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे। उसके बाद वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का क्या सिस्टम है, पेमेंट्स का, केमिस्ट को किस तरह का स्कीम देना है। तो इससे काफी सारे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इसकी नहीं ध्यान करते हैं। हम लोगों को उस टाइम लगता है कि बस किसी भी तरीके से हम लोग बस सेल्स ले आए। देखिए दोस्तों, सेल्स तो आप ले आओगे, बट अगर वो सेल्स में से प्रॉफिट नहीं आया, वो सेल्स को आप आगे लेवल पे नहीं लेके जा पाए, तो उस सेल्स का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपनी कंपनी लॉन्च करें तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आप किस एरिया में जा रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं जो आपको अपनी कंपनी लॉन्च करते हुए ध्यान रखना चाहिए, वो है आपकी स्ट्रेटेजी। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, अगर आपने नई कोई फार्मा कंपनी शुरू करी है और आपने अपनी कंपनी में कुछ इनोवेशन नहीं डाली, तो आप यार मोर ऑफ द चांस है कि आप ना थोड़ी बहुत इनिशियली सेल जनरेट कर लोगे, बट आप कंपनी को बड़ा नहीं बना पाओगे। कोई भी कंपनी यार देखो बड़ी बनती है, वो बनती है उसकी स्ट्रेटेजी उसके कोर ग्रुप से। तो आपका सबसे पहला जो आपकी स्ट्रेटेजीज भी मार्केट की अडॉप्टेबिलिटी या जो मार्केट चेंजेस के हिसाब से नहीं होगी, तो आप यार सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं मार्केट को, जब एक नई एंटिटी हम लॉन्च करते हैं, जब हम अपनी नई मार्केटिंग कंपनी लेके जाते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि वो जो 5 साल 10 साल पुराने जो फॉर्मूले थे उसी तरीके से हम अपनी कंपनी को चला लें। तो आप सबसे पहले यार आप समझिए कि अगर आपको अपनी जगह बनानी है मार्केट में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा स्कीम्स हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा इनपुट हो टू द डॉक्टर्स। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मार्केट से, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे इनिशियली फेज में। तो आपको मैंने यार कई मैक्सिमम कंपनी में देखा है कि वो ना इनिशियली फेज में बहुत रिजिड हो जाती है। इनिशियली फेज में बहुत ज्यादा रिजिडिटी भी ना आपका एक्सटेंशन का कारण बन सकती है, मार्केट से वाइंड अप का कारण बन सकती है। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट में किस तरह के हालात है उस तरह को समझना पड़ेगा। आपको अपना मार्केट फिट बिठाना है, और मार्केट फिट तभी बैठता है जब आप सामने वाले की नीड को समझो और उस नीड को सेटिस्फाई कर पाओ। तो आपको यार कुछ ना इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज, कुछ ना कुछ आपको इनोवेशन एज ए सेल्स ऑपरेशन आपको लगानी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी, तो ही आप इस कंपनी को आगे बढ़ा पाओगे और इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको वो पॉइंट्स बताने की कि जब आप अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप दोस्तों इन पॉइंट्स को लिखें और इन पॉइंट्स को लिखने के बाद इनके आंसर निकालें कि हाँ मैंने अभी किन किन पॉइंट्स पे काम कर लिया है, किन किन पॉइंट्स पे भी काम करना बाकी, तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के कंपनी लॉन्च करोगे तो जैसे मैंने बताया ये आपका फाउंडेशन कंपनी का बन जाएगा। और आपकी अगर ये चीजें स्ट्रांग होगी ना, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो आप इस कंपनी को किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड हमेशा दोस्तों मैं ये बात बोलता हूँ कि जो भी मेरे न्यू फार्मा एंटरप्रेन्योर है, इनिशियली हम लोगों के पास ना गाइडेंस और सपोर्ट नहीं होती, तो वो गाइडेंस और सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं हमेशा अपना वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी छोड़ता हूँ, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे वहां पे गाइडेंस और सपोर्ट ले सकते। आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, ठीक है। तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। तो थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ वेरी गुड डे।